पीएफआई पर केंद्र सरकार की फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक। पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए बैन। पीएफआई पर बैन, ओवैसी लालू कांग्रेस बेचैन क्यों। पीएफआई की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो स्टोरी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पीएफआई काम कैसे करता था, कैसे अपनी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाता था, सब बताएंगे आपको, सुनते जाइए। एनआईए के छापे के बाद पीएफआई के विरोध प्रदर्शन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। वक्त वक्त पर केरल से आई एफआईआर और सदस्यों की ट्रेनिंग की तस्वीरों पर नजर टिकी। सर तन से जुदा के नारों के पीछे पीएफआई की जमीन ने लोगों को हैरान किया। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 16 साल पहले बने संगठन के 23 राज्यों में फैलाव कई सवाल खड़े कर रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार छापेमारी हो रही थी, सैकड़ों सदस्यों की गिरफ्तारी हो रही थी, हजारों सबूत मिले और अब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। पीएफआई पर पाबंदी के बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार पीएफआई ने साजिशों का कौन कौन सा चैप्टर तैयार किया था। ये जानना जरूरी है कि पीएफआई में आतंक का कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था, जिसने सरकार को सख्त फैसला लेने पर मजबूर तक कर दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आतंक से कैसे जुड़े थे पीएफआई के तार और सुरक्षा एजेंसियों को क्या सबूत मिले। पीएफआई के निशाने पर थे पीएम मोदी। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। याद होगा आपको, इस मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा किया था। कोचीकोट से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक के रिमांड नोट में ईडी ने कहा था कि पट्टा में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश तक रची गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक भी शामिल था। पीएफआई की सोच भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं से ढेरो दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि कट्टरपंथी सोच ने इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एजेंडे को चलाया जा रहा था। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरों को घुटने पर ला देंगे। दंगों से हत्या तक में पीएफआई का नाम। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की थी। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ने लगा। संगठन 16 साल में 23 राज्यों तक पहुंच गया। केरल में 12 साल पहले प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 बार हमले हुए थे। दायां हाथ काट दिया गया था, शरीर पर कई जख्म भी थे। जोसेफ पर हमले में पीएफआई का लिंक सामने आया था। पीएफआई ने ओसामा को बताया शहीद। पीएफआई ने अपने मुखपत्र तेजस के कवर पेज पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाई और उसे शहीद बताने तक की कोशिश की। शाहीन बाग में प्रदर्शन में फंडिंग। दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लंबे चले विरोध प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का मानना था कि प्रदर्शन के लिए फंडिंग का जुगाड़ किया गया और ये जुगाड़ पीएफआई ने ही किया था। तो अब आप खुद ही बताइए कि पीएफआई पर बैन लगना जरूरी था या नहीं। अब तो ऐसी सोच पर भी बैन लगना चाहिए। वैसे बैन लगाने की वकालत खुद योगी आदित्यनाथ और खुद गृह मंत्री अमित शाह तक खुलकर कर चुके थे। अब बस फैसला लिया गया, तो ये फैसला सही है या फिर नहीं, आप खुद ही बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।